अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो यार ये कोई व्लॉग वगैरह नहीं होने वाला यार, ये एक टॉपिक पर बात होने वाली है, ठीक है। तो यार मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी, वी लॉस्ट अवर मैच, कि हम मैच आ रही हूँ, मतलब पाकिस्तान और श्रीलंका का जो एशिया कप हुआ था ना फाइनल मैच, उसकी मैंने वीडियो बना के पोस्ट कर दी। मैंने कहा चलो यार कोई ना कोई कॉन्टेंट मिल ही जाए, मिल गया है, चलो बना देते हैं इस पर वीडियो। तो यार मैंने बना के वीडियो अपलोड की है, मतलब जब अपलोड होगी, मतलब अपलोड होने में मुझे 2 दिन लगे हैं, मतलब कि मैंने जिस दिन क्रिकेट मैच हो रहा था ना उसमें मैं साथ साथ ना वीडियो की एडिटिंग कर रहा था। यार मैं साथ साथ एडिट करता रहूँ, ठीक है, व्लॉग, तो ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए और जल्दी मैं अपलोड कर दूँ, ताकि व्लॉग जल्दी आए, ठीक है, मज़ा आए लोगों को। यार इतनी जल्दी से व्लॉग अपलोड कर ली, तो मैंने उसी टाइम व्लॉग एडिट कर लिया जिस टाइम मैच ख़त्म हुआ है। तो रात को 12 बजे तक मैं बैठा रहूँ, व्लॉग एडिट करता रहूँ, ठीक है। तो मैंने सुबह स्कूल भी जाना था, ठीक है ना, मैं पूरी नींद अपनी कसम से लगा के मैंने अपना व्लॉग एडिट किया, इतनी मुश्किल से मैंने अपना व्लॉग एडिट किया है। फिर मैंने अपलोडिंग पर लगा दिया, सुबह जब उठाऊँ तो अपलोड, मतलब 1-2% भी नहीं हुआ, ठीक है, 0 पे 0 ही था, और वो नेट स्लो होने की वजह से, ठीक है। तो बाकी फिर मैं स्कूल चला गया हूँ, ठीक है, मोबाइल मैंने अपलोडिंग में जब गाना है तो 30 हुई थी, फिर मैंने अपलोडिंग पर मतलब लगा दिया, ठीक है। क्योंकि ना जब IT स्टूडियो से आप करते हैं ना तो आपको वेब खोल के रखना पड़ता है, इस वजह से। तो बाकी फिर मतलब कि मैंने 50 ही कर ली थी, ठीक है। तो फिर मैंने अगर रात को लगाऊंगा, रात को फिर लाइट चलेगी, पूरी रात लाइट ही नहीं थी, ठीक है, लोग उसी वजह से अपलोड नहीं हुआ। फिर अगले दिन कल अपलोड हुआ है जिस टाइम मतलब मैंने अपलोड किया ना, उसके बाद प्रोसेसिंग हुई है, कोई 15-20 मिनट की प्रोसेसिंग हुई है, मतलब इतना टाइम लिया वीडियो प्रोसेस होने में। तो मतलब जैसी मेरी मैंने प्रोसेस हो गई है, उसके बाद मैंने वीडियो पब्लिक कर दी है, ठीक है। पब्लिक करते साथ ही मेरे मतलब उस वीडियो पर ना कोई 1 मिनट में 10-15 व्यूज़ आ गए थे, ठीक है। फिर कोई मैं 2-3 मिनट बाद मैंने फिर रिफ्रेश किया है तो 25-30 व्यू, फिर मैंने रिफ्रेश किया है 50 से ऊपर व्यूज, मतलब 15-20 मिनट में मेरे पता 50-70 व्यूज़ हो गए थे। तो मैं तो इतना खुश हो गया था, मैं कि इतना अच्छा वो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या पता 2000 से ऊपर चले ही जाए, ठीक है, मेरा टाइम वॉच टाइम बढ़ ही जाए, तो मैं तो बहुत खुश हो गया था, ठीक है। उसके बाद 15-20 मिनट बाद देखा कि मेरी वीडियो ही उड़ गई वहाँ से, मतलब मैंने यूट्यूब को एक मिनट दोबारा किया, मैं कि यार दोबारा व्यूज़ देखता हूँ कितने हुए हैं, तो मैंने दोबारा देखा वीडियो नहीं, मैं कि यार मुझसे कहीं डिलीट तो नहीं होगी गलती से। तो मैं उसी टाइम स्टूडियो में गया हूँ तो वीडियो थी वहाँ पर, मैंने वीडियो टैप किया, उधर आया योर वीडियो वाज ब्लॉक्ड, योर मतलब कॉपीराइट क्लेम आ गया चैनल पर। तो और वो ये IS स्ट्राइक मुझे स्टार स्पोर्ट इंडिया से, मतलब कि मतलब मैं अब क्या बोलूँ यार, मैं कितना बड़ा यूट्यूबर हूँ यार, 212 सब्सक्राइबर है मेरे। अगर एक छोटा मोटा यूट्यूबर कंटेंट निकाल कर बना रहा है यार, उसको बनाने दो अपलोड, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, तो उस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम भेज दिया। मतलब जिस वीडियो पर आप मेहनत करो ना तो उस पर ऐसा आपको सिला मिलता है। मैं मतलब मैं तो दिल उठ गया थोड़ा सा, तो मैं क्या कहूँगा आपको। तो बाकी यार मुझे क्यों आया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, मैं तो छोटा सा यूट्यूबर हूँ, डक्की भाई को आया है, ठीक है, स्टार एनोनिमस को आया है, और बाकी मुहिब को आया है, ठीक है, मतलब बड़े यूट्यूबर्स को आया है, पर यार मैं तो छोटा सा यूट्यूबर हूँ। बस इस बात की समझ नहीं आ रही, आप स्क्रीन और देख रहे हैं और वीडियो बाद ब्लॉग वगैरह आई है, ठीक है। तो बस यही मैंने बताना था, तो क्या करें यार हम, मतलब मैं तो बहुत खुश हो गया था कि यार मेरे इतने अच्छे व्यूज़ आ गए हैं। तो बस यही मैंने बताना था आपको, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो माई कॉपीराइट क्लेम्ड, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर 2-3 दफ़ा और स्ट्राइक आ गई ना तो मेरा चैनल उड़ जाएगा, मतलब 3 स्ट्राइक आ जाए ना अगर आपके चैनल, तो आपका चैनल उड़ जाएगा, मतलब 3 स्ट्राइक टोटल आ जाए तो आपकी चैनल उड़ जाएगा। मैं 1 स्ट्राइक आ गई है, अगर 2 और आ गई तो फिर मेरा चैनल उड़ जाएगा, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अगर मैं मतलब कि शुरू से वीडियो बना रहा होता क्रिकेट वाली, मुझे पहले तो पता नहीं था कॉपीराइट क्लेम्स का, ठीक है, बाद में वीडियोज़ वगैरह देखता रहूँ कि मुझे समझ आ गया, ठीक है, तो फिर मुझे समझ आई मैंने बातें, तो फिर मैं ये देखता रहूँ, ठीक है। तो अब मेरे साथ ये हो गया, कॉपीराइट क्लेम आ गए मेरे चैनल पर, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, मैं क्या कहूँगा आपको, ठीक है। मतलब बड़ी मेहनत करी मैंने, वो वीडियो बनाई थी, एडिट की थी, अपलोड की थी, बस ये मैंने आपको बताना था। अब मिलते हैं आपको जल्दी से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।